फैंस, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। जैसे कि आप देख सकते हैं कलेक्शन अब आ चुके हैं जून 12 तक के, यानी कि 29 दिन तक के। और किस तरह से कलेक्शंस आए आप देख सकते हैं, कलेक्शंस $1 मिलियन से भी कम रहा है, यानी कि 4.71 करोड़ ही सिर्फ इस फिल्म ने कमा पाई है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें टोटल तो $180 मिलियन हो चुका है, यानी कि जो मैंने कलेक्शन बताया था आपको वो कुछ 1556 करोड़ तक का बताया था, लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत आगे पीछे इजाफा और हुआ था। और अपडेटेड कलेक्शंस अगर आप देखो तो 4.71 करोड़ जोड़ ले तो 1162.35 करोड़ का टोटल आ रहा है, यानी कि कलेक्शंस में गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये कलेक्शंस में गिरावट आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये 6th वीक जैसे ख़त्म होता है उसके बाद 7th वीकेंड जब आएगा तो इस कलेक्शन में इजाफा होगा, क्योंकि छुट्टियां समर की चालू हो जाएगी चाइना में और वो एक अच्छी बात होगी। और होप इसी तरह कलेक्शन बढ़ते रहे और हम इसी तरह आई थिंक नज़दीक पहुँचते रहे 2000 करोड़ के क्लब तक। लेकिन जिस हिसाब से स्लो चल रहा है आई थिंक थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए था, नहीं तो कलेक्शंस एक हफ्ते में नहीं यानी कि 10 दिन शायद लग जाएंगे फिर 200 करोड़ तक पहुँचते, यानी कि वर्ल्ड वाइड। यानी कि फिलहाल तो 162 करोड़ है। एक चीज़ तो काफ़ी कन्फर्म है कि 1162 जो करोड़ है वो 1200 करोड़ के पास चल जाएगा इजिली चाइना में। तो आपको क्या उम्मीद है इस फिल्म से, कितना वेट करें किस तरह से बेसब्री का 2000 करोड़ का, आप ज़रूर बता सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे भी जाना ना भूलें, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट आर्टिकल्स मिलेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आप आसानी से चले जाए वेबसाइट पर। फिलहाल फिर इतना ही, बाय बाय।